फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर. तो हे फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में. तो दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि 10K स्पेशल फोटो एडिटिंग करने वाले हैं हम दोस्तों. तो इस वीडियो को लास्ट तक के देखिए, तभी आपके समझ में आएगा. और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और वीडियो पे कमेंट करना ना भूले. और अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रो से. तो हे फ्रेंड्स, देखिए मैंने पिक्सार्ट में हमारे मॉडल के जो पिक है वो उसे पिक्सार्ट में ओपन कर लिया. और यहाँ से मैं सबसे पहले एक ऐड फोटो पे क्लिक करूँगा. और यहाँ से आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ निकाल चुका हूँ. और उसको सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसी को आपको सिलेक्ट करके अपने पिक्सार्ट में ओपन करना है. तो देखिए, जैसे कि मैंने ला लिया, अब इसे मैं क्रॉप करता हूँ दोस्तों. जैसे ऊपर से यहाँ तक के क्रॉप करें और नीचे से यहाँ तक के परफेक्ट साइज में क्रॉप कर लीजिए फ्रेंड, वैसे का मैंने कर लिया है. और इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसे मैं मल्टी कर देता हूँ. और देखिए दोस्तों, वो हमारे मॉडल के इस पर ऊपर आ रहा है. तो दोस्तों, हम इसे क्लिक करके इरेजर पे क्लिक करके जहाँ पे हमें नहीं होना, जहाँ मॉडल पर आ रहा है वहाँ से हम इरेज कर देंगे. तो देखिए दोस्तों, मैं इसे इरेज कर देता हूँ. तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक स्क्रीनशॉट चाहिए दोस्तों, बाकी तो सब एडिटिंग में हो जाएगा. तो आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट निकाल ले. और ये देखिए, जैसे कि मैं इरेज कर रहा हूँ, पहले इरेज कर देता हूँ दोस्तों. ये देखिए, मैंने इरेज कर दिया है. हम नीचे से कर देता हूँ, बराबर आपको परफेक्ट इरेज करना है दोस्तों. मैं स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए मैं स्पीड में कर रहा हूँ दोस्तों. तो आपको धीरे धीरे करके इसे इरेज करना है, ताकि आपकी जो फोटो है एकदम परफेक्ट बने. ये देखिए दोस्तों, ये हो चुका है. इसे ओके कर देते हैं. और यहाँ से हम एक PNG है इंस्टाग्राम की, वो ले लेते हैं. यहाँ ऐड फोटो पे क्लिक करता हूँ दोस्तों. ऐड फोटो पे जाने के बाद जो मैं एक PNG है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों. आपको सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए. देखिए दोस्तों, ये आ गई है. अब इसे मैं 10K के ऊपर लगा देता हूँ, परफेक्ट एकदम एडजस्ट करके, थोड़ा बड़ा करके, इसे एडजस्ट करके, बराबर एडजस्ट करके लगा देता हूँ. तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे लगा दिया है, 10K के ऊपर लग चुके हैं. तो सिंपली आप उसको ओके कर दीजिए और ड्रॉ पे जाइए. ड्रॉ टूल पे जाने के बाद दोस्तों, आपको जो इस फोटो है, इस फोटो को 3 डॉट पे ये दिख रहा है दोस्तों आपको साइड में, 3 डॉट पे क्लिक करके सेव कर लीजिए. अब आ जाता हूँ मैं बैक. तो चलिए दोस्तों, बैक आ जाता हूँ. और सिंपली अब आपको लाइटरूम ऐप ओपन करना है. मैंने लाइटरूम ऐप ओपन करा हूँ. ये देखिए दोस्तों, हमारा लाइटरूम ऐप ओपन हो चुका है. और यहाँ से मैंने जो फ़ोटो का उसे ऐड कर चुका हूँ, तो पहले से इसलिए आपको मैं थोड़ा कट करके बता रहा हूँ दोस्तों. तो मैंने फ़ोटो का ऐड कर चुका हूँ. और यहाँ से आपको जो पिक्सार्ट में आपने सेव करी थी उसे हम यहाँ से ऐड कर लीजिए. देखिए, मैंने यहाँ से ऐड कर लिया है. ये ऐड हो चुकी है दोस्तों फ्रेंड्स. अब आपको सिंपली कुछ नहीं जानना है, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको प्रीसेट वाला. तो आपको मैं ये प्रीसेट जो है मैं अप्लाई करने वाला हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फ्रेंड्स. तो आप उसे वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, पूरी सेम टू सेम एडिटिंग आपकी इसमें हो जाएंगी. तो देखिए दोस्तों, मैंने उसे अप्लाई कर दिया है. और ये देखिए दोस्तों, वो अप्लाई काफ़ी अच्छा हुआ. अब इसे थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे, इसका जो फेस का है इसे थोड़ा वाइट करना, थोड़ा कलर ग्रेडिंग और एडजस्ट करेंगे दोस्तों. तो मैं एक्सपोजर को थोड़ा सा हल्का सा कम ही रखता हूँ दोस्तों. और कॉन्ट्रास्ट को जो है थोड़ा सा कम कर देता हूँ. हाईलाइट को भी थोड़ा छेड़ना अब जाते हैं एक टाइम मिल में. अब यहाँ से हम मिक्स में चले जाते हैं. यहाँ से बस आपको इस ऑरेंज कलर को छेड़ना है दोस्तों. ऑरेंज कलर जो है फेस में मैक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता है. उसी से आप अपना फेस को जो है ज़्यादा वाइट कर सकते हैं, फेस स्मूथ या वाइट कर सकते हैं. तो देखिए, अब जो है बराबर परफेक्ट लग रहा है. और अब मैं जो है ब्लू कलर को छेड़ रहा हूँ दोस्तों. आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, जैसा आपको ठीक लगे. मैं अपने मॉडल के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, जैसा मॉडल में सूट हो मैं उसी तरह इसे एडजस्ट कर रहा हूँ. आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए. और यहाँ से मैं डन कर देता हूँ. और यहाँ से मैं देखिए दोस्तों, हमारी फ़ोटो जो है बिफोर एंड आफ्टर बन चुकी है. तो देखिए दोस्तों, ये
एक क्लिक में जो अपनी फोटो जो एकदम डिफरेंट आप चेक कर यहाँ से सेव कर लीजिए। तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो को लाइक।